más y más de nuestra calle hermana. Pero me suelta que te amar y vivo ya te. Estame en satisfacto, rengue un chatbar. Estame o sentirá, yo tu bono se divertirá. Stand my good. अत्याचार अधिनियम में प्रावधान एवं समस्याओं पर वो अपना मंतव्य हमारे बीच में रखेंगे और इसके बाद श्री दशरथ सिंह हिनोनिया जी सामाजिक कार्यकर्ता उद्बोधन के लिए हमारे बीच में पहुंचे श्री मान सिंह मीणा जी। एक ऐसा नारा जो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधता है, भारत पहले मैं इस महापंचायत के उन आयोजन समिति के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने दिन रात एक करके इस राजस्थान की राजधानी के अंदर एक जनसैलाब उमड़ा। साथियों, एक बाबा साहब अंबेडकर, एक हाथ में संविधान और दूसरी तरफ वीर क्रांतिकारी योद्धा बिरसा मुंडा जिसके हाथ में तीर कमान। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुद्दे की बात करूंगा। हमें आखिर महापंचायतों की जरूरत क्यों पड़ती है? मैं यहां पर पधारे हुए हमारे जनप्रतिनिधि से कहना चाहता हूं, संविधान के अंदर बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिए, उन अधिकारों की पालना करवाने की जिम्मेदारी विधायिका में, संसद में, लोकसभा में बैठे हुए नेताओं की बनती है। लेकिन जब नेता अपना धर्म भूल जाता है, नेता अपना जिम्मेदारी भूल जाता है, तो इस देश के युवाओं को, क्रांतिकारियों को सड़क पर आना पड़ता है। साथियों, आज लग रहा है कि इस देश के अंदर एक बड़ा बदलाव होने वाला है। मैं कहना चाहता हूं संविधान को पढ़ लो, उसमें लिखा है, अरे बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए, वो अकेला आदमी लड़ा, उसने हमें लड़ना सिखाया। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, यदि आप वास्तव में बाबा साहब को मानते हो, संविधान को मानते हो, तो शिक्षित हो। शिक्षा मतलब है शिक्षा के माध्यम से इस समाज को लिए, देश के लिए जागरूक करना और पूरे मन से, कर्म से, वचन से काम करना। लास्ट में वकील हूं, तो वकील कौन के नाते इस महापंचायत के आयोजनकर्ताओं को और युवा शक्ति को एक वचन देता हूं। साथियों, ये दौर चल रहा है आंदोलनों का, आंदोलन करने का किसी को शौक नहीं है, आंदोलन वही करता है जिनका जमीर जिंदा होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आंदोलन की लड़ाई में, अपने हकों की लड़ाई में, अधिकारों की लड़ाई में यदि अधिवक्ता समुदाय की जरूरत हो, तो वो खो मैं बता 500 किलो का, चाहे मामला राजस्थान हाईकोर्ट का, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, इन सामाजिक लड़ाई में अधिवक्ताओं की जरूरत पड़ती है, तो तन मन धन से अधिवक्ता समुदाय आपके साथ रहेगा। जय हिंद, जय भगत सिंह, जय बिरसा मुंडा, जय भीम। साथ एक बात और कहना चाहता हूं, आज वचन लो अपने आप से, यदि राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में यदि ST SC व्यक्ति के समुदाय के साथ यदि अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो हम व्यक्ति मतभेद भूल करके उसका ईमानदारी से साथ देंगे। हाथ खड़े करो। जय हिंद, जय जवान, जय बिरसा मुंडा। बहुत बहुत धन्यवाद श्री दशरथ हिनोनिया जी मंच के पास पहुंचे, इसके बाद रंजीत जाटव जी। और हमारे बीच में राजस्थान धानका जनजाति समाज जयपुर राजस्थान के अध्यक्ष श्री राम नारायण धानका जी पधारे, उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और साथ ही हमारे बीच में बबरू से पूर्व संसदीय सचिव श्री कैलाश वर्मा जी पधारे, एक बार उनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन आप सभी के बीच में होना चाहिए। और अब अगले वक्ता के रूप में श्री दशरथ हिनोनिया जी, और मेरा साउंड बर्ती से निवेदन है कि वे ये देश वीर जवानों का गाना तैयार रखें, क्योंकि युवा यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है। तो हमारे वक्ता श्री दशरथ हिनोनिया जी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप सभी के बीच में। पूरे राजस्थान प्रदेश से राजस्थान प्रदेश से आए हुए मेरे सभी
भीम साथियों, सभी को मेरा जय भीम जय जोहर। एक बार नारा जोर से, जय भीम जय जोहर। साथियों, आप लोगों का जो जोश और खरोश देखकर लग रहा है कि हमने 2 अप्रैल को अधिकार दिवस के रूप में मनाने की जो मुहिम शुरू की, यह मुहिम हमारी कामयाब रही। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये आपकी जितनी भीड़ है इससे 10 गुना ज्यादा भीड़ तो अभी तो सड़कों के ऊपर है, रोड के ऊपर है। इसलिए सभी जो मेरे भीम सैनिक हैं, मैं उनको सलाम करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 अप्रैल 2018 को मैं डॉक्टर दशरथ हिनुनिया वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से इस मुहिम को शुरू किया था और शांतिपूर्ण हमारा आंदोलन चला। लेकिन जब हमारी लोग, हमारे जो भीड़ है, जब छट रही थी, उस छट रही भीड़ के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने घुसकर और गलत हरकतें की और उसका इल्जाम षड्यंत्र पूर्वक हमारे भीम सैनिकों के ऊपर लगाया गया। लेकिन मैंने राजस्थान सरकार को उस समय भी लिखा, मैंने कोरोना काल के दौरान भी राजस्थान सरकार को लेटर लिखा कि जब आप दूसरे अन्य कैदियों की रिहाई कर रहे हैं तो मेरे भीम सैनिकों की रिहाई क्यों नहीं, क्योंकि वो तो समाज के अपने आप में जो है योद्धा हैं, जिन्होंने समाज की लड़ाई है वो लड़ी है। साथियों, उस लिखने के बावजूद भी जो है इन्होंने ऐसा नहीं किया। 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में हमारे निर्दोष लोगों के ऊपर 322 केस बने और ऐसा ही 2020 में कांकरी डूंगरी प्रकरण में भी जो है 63 केस बने। इनकी वापसी है वो होनी चाहिए। इसके साथ साथ में हमारी जो दूसरी जो मांग है वो ये है कि अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आरक्षण है वो हमारी जनसंख्या के अनुपात में 2-2% है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि 2005 का भारत सरकार का ये सभी चीफ सेक्रेटरीज को ये आदेश है कि ये रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए। जब दूसरे अन्य राज्यों में रिजर्वेशन बढ़ चुका है तो हमारे यहाँ पर भी जो रिजर्वेशन है वो बढ़ना चाहिए। मुद्दे बहुत कुछ हैं, वक्ताओं की लिस्ट लंबी है, समय का अभाव है, इसलिए पिंग पॉइंट के रूप में यही बात कहना चाहता हूं कि हमारी जितनी भी जो मांगे हैं मेमोरेंडम में हमने लिख दी है, इनको है वो माना जाए। और साथ ही साथ जो पाते वेतन के संदर्भ में जो वरिष्ठ जो अध्यापक हैं, इनका पदोन्नति का एक जो मैटर है, तकरीबन ये 23,000 शिक्षकों का मैटर है, इसको भी जो है वो शामिल किया जाए और इनको जो है राहत है वो दी जाए। इसलिए मेरे साथ में आप एक छोटा सा ये जो गाना है वो गुनगुनाएंगे आपकी भीड़ को देखते हुए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। धन्यवाद साथियों, परमिशन से संबंधित सारे काम और जो पूरी टीम ने जिस शानदार तरीके से किया है सबको धन्यवाद। हमारी पुलिस प्रशासन को धन्यवाद, मीडिया को धन्यवाद, हमारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। जय भीम, जय बिरसा, जय फुले, जय सावित्री, जय योगिथास, जय यनकाली। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में पूर्व राज्यसभा सदस्य श्री राम कुमार वर्मा जी पधार चुके हैं, आपका भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। श्री बाबूलाल बछेर साहब पूर्व विधायक, और एक नाम जो मैंने पहले लिया था नव कुमार सरनिया जी, उनको मैंने पूर्व सांसद बोल दिया था, वो वर्तमान सांसद हैं आसाम के कोकराझार से, आपका भी जोरदार तालियों से स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एकता नरवाल से मोबिल जीनवाल और अरविंद हिंगोनिया हमारे बीच में। साथियों,
इस भव्य जो भव्य इतना अच्छा जो प्रायोजन किया है आज आयोजन समिति ने, तो मैं चाहता हूँ एक बार जय भीम का घोष लगा के आप अपनी प्रेजेंस बता दो और बता दो कि केवल जयपुर ही नहीं, केवल राजस्थान ही नहीं, हम भारत वर्ष में अपनी प्रेजेंस रखते हैं। तो एक बार सभी एक साथ साथियों, इसी कड़ी में मैं आप सभी लोगों को एकता नवनिर्माण ट्रस्ट की ओर से मोविल जीनवाल तहे दिल से इस भव्य आयोजन के लिए आपका इस्तकबाल करता हूँ। एक छोटी सी सूचना आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा ये भव्य आयोजन है उसी तरह से हम एक बहुत ही शानदार तरीके से 2016 से एक मैराथन आयोजन करते हैं बाबा साहेब के बर्थडे पे 14 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल को आप सभी को मैं इस मंच की तरफ से आमंत्रण पेश करता हूँ कि आप सभी जिस जोश के साथ यहाँ पर आए हैं उसी जोश के साथ हम बाबा साहेब के जन्मदिवस को भी मनाएंगे। और इस जोश को बरकरार रखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी टीम ने एक सॉन्ग तैयार किया है और जो सॉन्ग है वो भी हमारे ऐसी समुदाय के लोगों ने ही बनाया है। तो उसकी लॉन्चिंग के लिए मैं आग्रह कर रहा हूँ डीजी साहब हमारे मेहडा साहब को कि वो हमें अनुमति दे और हमारे इस एकता निर्माण ट्रस्ट के 14 अप्रैल को होने जा रहे इस भव्य आयोजन के अंदर इस थीम सॉन्ग को यहाँ लॉन्च करें। एक और सूचना मैं बता दूं कि इस भव्य आयोजन में हमारे साथ जिम्मी शेरगिल जो बॉलीवुड एक्टर है वो भी हमारे साथ दौड़ेंगे। तो 14 अप्रैल को जयपुर में आप सभी लोगों का इंतजार करेंगे और बाबा साहेब के जन्मदिवस को बहुत ही भव्य और बहुत ही आकर्षक रूप में मनाएंगे। तो मैं आग्रह करूंगा डीजी सर से, मैं आग्रह करूंगा कि एक बार प्ले की अनुमति करके हमारे इस थीम सॉन्ग को यहाँ पर एक बार चलवाए। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये जो सॉन्ग है ये आपके अंदर जोश भर देगा। रोशन प्लीज प्ले वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम प्लीज। और सभी के हाथ लहराते हुए नजर आने चाहिए, फुल वॉल्यूम दीजिएगा। कितना खूबसूरत ये नजारा नजर आ रहा हुआ, एकता के ये हाथ सभी के साथ साथ सबके लिए साथ रंजीत जी मंच पर आ जाए अगली बात करने के लिए।
थैंक यू सो मच गाइस। मैं चाहता हूं कि यही जोश और यही उमंग के साथ हम बाबा साहेब के जन्मदिवस को भी मनाएंगे। एक बार फिर से अपनी बात को समाप्त करता हूं और आयोजन समिति को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने मंच से आमंत्रण करने का मौका दिया। जय।